हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐप नॉट इंस्टॉल्ड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप प्ले स्टोर के अलावा किसी अदर सोर्स से ऐप को डाउनलोड करते हो, यानी उसका एपीके फाइल डाउनलोड करते हो, तो कई बार आपके सामने यह प्रॉब्लम आती है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर लिखा आता है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसे कैसे सॉल्व करना है और चार बेस्ट वर्किंग तरीके आपको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके फ़ोन में एक ना एक तरीका ज़रूर वर्क करेगा। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है या फिर आपको साइड में तीन डॉट देखने को मिलेंगे, आपको उस पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको प्ले प्रोटेक्ट नाम से ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट और इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे ऐप को तो वो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में पहला तरीका वर्क नहीं करता है तो आप इस दूसरे तरीके को जरूर यूज करिएगा, हो सकता है यह तरीका आपके फ़ोन में वर्क कर जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई मोड एपीके इंस्टॉल करते हैं तो जो उसका ओरिजिनल एपीके होता है जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी पड़ा होता है इस तरीके से, तो हम इसे डिलीट नहीं करते हैं। हम इसे डिलीट किए बिना ही गूगल से जो इसका मोड एपीके है वो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने वही एरर आता है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। तो ऐसे में आपको करना यही है, जो ओरिजिनल ऐप है सबसे पहले आपको उसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद अब आपने जो एपीके डाउनलोड करा है आप उसे इंस्टॉल करोगे तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। लगभग 50% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, वो ओरिजिनल ऐप को डिलीट नहीं करते हैं, उसके बाद मोड एपीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होता है। तो यह है दूसरा तरीका, आप ओरिजिनल ऐप को डिलीट करिएगा, उसके बाद उसका जो मोड एपीके है उसे इंस्टॉल करिएगा तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड नहीं लिखा आएगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो इसके लिए भी आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, हो सकता है आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स करके ऑप्शन दिया गया हो तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऊपर आपको तीन डॉट देखने को मिल जाएगा, तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से रीसेट ऐप्स का ऑप्शन आपको दिखेगा ब्लू कलर में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यह करने के बाद आप जाओगे ऐप इंस्टॉल करने तो आपके फ़ोन में जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये है तीन तरीका, आपके फ़ोन में ज़रूर कोई ना कोई तरीका वर्क करेगा। अब बात करते हैं लास्ट तरीके की। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली रखना है। अगर आप कोई बड़ी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो अपने फ़ोन में एपीके फाइल के थ्रू तो आपके फ़ोन में स्पेस होना ज़रूरी है, लगभग 1 GB स्पेस आपके फ़ोन में होना चाहिए तभी जो ऐप है वो इंस्टॉल होता है। तो अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है तो उस वजह से भी यह प्रॉब्लम आती है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड लिखा आता है। तो आप जो अपना स्टोरेज है उसे क्लियर कर लीजिएगा, लगभग 1 GB आपको खाली रखना है, उसके बाद आप इसका जो एपीके है ऐप का उसे जाओगे इंस्टॉल करने तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही है चार बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके फोन में भी जरूर तरीका यह वर्क किया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।